सबसे पहले जब मैंने भागम भाग की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट मिली ही नहीं, तो क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट थी भी नहीं। प्रियदर्शन जी का कमाल ये होता है कि स्क्रिप्ट उनके दिमाग में रहती है और उनको दिमाग के पढ़ना बहुत मुश्किल रहता है, तो मुझे स्क्रिप्ट मिली नहीं, तो मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता था कि ये एक मर्डर मिस्ट्री है, इसके अंदर ऐसा ऐसा होने वाला है। एक सिंगल लाइन में मुझे स्टोरी पता थी और मुझे कॉमेडी को एक नया मोड़ देना था। मुझे कॉमेडी को एक कॉमेडी के हिसाब से लेके नहीं जाना था, मुझे एक मर्डर मिस्ट्री में कॉमेडी लाना, वो एक बहुत अच्छी बात लगी थी कि मैंने कहा ये कोई नई चीज़ है, इसके अंदर मर्डर मिस्ट्री है, लोगों का मर्डर हो रहा है लेकिन ऑडियंस जो है वो हंस रही है। तो ये बात मुझे भाई और स्क्रिप्ट ना सुनते हुए ये फिल्म के अंदर मैं खुद पढ़ा और प्रियदर्शन जी के साथ मैंने ये फिल्म की बिना जाने कि स्क्रिप्ट क्या है। वैसे तो अच्छा, आपका प्रियदर्शन साहब के साथ एसोसिएशन बहुत पुराना है और आपकी कॉमिक टाइमिंग, मैं खुद उस चीज़ देखा हूँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत इम्प्रूव हो गई। इवन थ्रशर्स जब मैं काट रहा था मेकिंग का, तो मैंने देखा कॉमिक टाइमिंग आपकी बहुत इम्प्रूव हो गई, तो उसके पीछे आपने कुछ वर्कआउट किया है कि कैसे आपकी कॉमिक टाइमिंग एकदम 100% सही हो गई है? नहीं, मैं वर्कआउट कुछ नहीं, ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी कॉमिक टाइमिंग इम्प्रूव हो गई है, लेकिन मैं हमेशा ये सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे और तरीके ढूंढने हैं कि किस हिसाब से इस, इट इज़ नॉट अबाउट कॉमिक, इट इज़ अबाउट एंटरटेनिंग पीपल। मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं कोई जोकर नहीं हूँ, ना कोई हास्य कथा का कोई हीरो हूँ। मैं एक फिल्म के अंदर काम करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया में इतनी स्ट्रेस है, इतना लोगों के पास प्रॉब्लम्स है कि एक फिल्म के अंदर पूरी चीज़ होनी चाहिए। जैसे भागम भाग में इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, उसके अंदर कॉमेडी भी है, मर्डर भी है, इमोशंस है, गाने हैं, सब चीज़ है, लेकिन क्या है कि हाईलाइट उसके कॉमेडी को थोड़ा ज़्यादा किया गया है। कॉमेडी है, बहुत है, इमोशंस भी हैं अपने हिसाब से। तो मैं एक विश्वास रखता हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ जो कि फुल एंटरटेनमेंट लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया जब 150 रुपये खर्च करके फिल्म देखने आती है तो वो एक पूरा एंटरटेनमेंट चाहती है। आज आप कोई भी चैनल खोल लीजिए, कहीं ना कोई कोई मर रहा है, कहीं ना कोई कोई वॉर चल रही है, कोई ना किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी को मार डालता है, कहीं कहीं किसी के यहाँ चोरी चल रही होती है, इसके अलावा चैनल्स के अंदर कोई भी कुछ भी चीज़ें नहीं आती, जबकि हो रहा है वो। मैं ये नहीं कहता, आई एम नॉट ब्लेमिंग द चैनल्स, दे आर ओपनिंग, दे आई ओपनर्स, दे बताते हैं लोगों को कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन एंटरटेनमेंट का और कोई ज़रिया नहीं है। तो मैं एक छोटा सा उसमें से भाग हूँ जो एंटरटेनमेंट लोगों को करना चाहता हूँ। लेकिन अक्षय, आप जब इनिशियली जब हम आपकी पहली फिल्में देखते थे तो हमें, हम आपको दिमाग में कह रहे थे कि जो पंच वो जो अक्षय मारते हैं उसकी बात ही कोई, लेकिन अब मेरा मेरा खुद का माइंडसेट बदल गया है। अब मैं अक्षय को देखता हूँ कि मैं आपको देखता हूँ कि व्हेन आप ऐसे भी कोई मूव बनाती या कैसे भी कोई, आप डायलॉग नहीं बोल रहे हो, लेकिन जब भी आप कोई चीज़ स्क्रीन प्रेजेंस आपका इतना स्ट्रांग हो गया है तो उसके लिए आपने कुछ तो दिमाग में रख के अब डिलीवर करते होगे अपने डायलॉग, कुछ तो सोच के करते होगे। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ ऐसी बात नहीं है उसमें, कोई मैंने कोई होमवर्क नहीं किया है उसमें, ना ही मैंने कोई रियाज किया है। हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस एक चीज़ सिखा देती हो सकता है ये बात हो, लेकिन वैसे कभी सोचा जाए तो किसी भी, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की या किसी भी बात पे, और यही बस यही कह सकता हूँ, एक्सपीरियंस ने शायद सिखा दिया। अच्छा, प्रियदर्शन साहब के साथ का एसोसिएशन बहुत पुराना है, उनके बारे में आप उन्होंने आपको स्क्रिप्ट नहीं सुनाई, आपने फिर भी हाँ कह दिया, ये मतलब बहुत बड़ी बात है, तो आप उनको इतना क्यों ट्रस्ट करते हैं? इट इज़ नॉट अबाउट ट्रस्ट, इट इज़ अबाउट हैविंग, मुझे मालूम था जो वो बनाना चाहते हैं। एक क्या है, प्रियन जी जब कहानी सुनाते तो कई बार समझ में नहीं आता, तो मुझे बहुत पूछना पड़ता है, जो राइटर है उसको मैं चुप करके पूछ लेता हूँ, नीरज करके है राइटर हैं, उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि मुझे कहानी सुना दो। बोला लेकिन अभी सुनाया ना डायरेक्टर साहब ने। हाँ, मैं बोला वो सुनाया लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। तो किसी के समझ में नहीं आता तब मुझे जाके उनके पास पूरी कहानी सुन लेता हूँ। तो मैंने भले प्रियन जी से कहानी नहीं सुनी लेकिन पीछे राइटर या कुछ उनके असिस्टेंट से सुन लेता हूँ जाके। अच्छा, इसमें आप जो फर्स्ट टाइम गोविंदा जी के साथ काम कर रहे हैं आप, तो
काफी हमारे पुराने हीरो हैं और काफी अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया था, कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ, गोविंदा साहब के साथ? जी देखिए, वो कॉमेडी में किंग है, एंटरटेनमेंट में किंग है, ही इज़ अ वेरी बिग एक्टर, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, और मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा समझा, और फिल्म इतनी जल्दी बन गई 1.5-2 महीने के अंदर, तो इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। हमने बहुत मौज मस्ती की फिल्म के अंदर, क्योंकि फिल्म है ही ऐसे इसी माहौल में बनने वाली, तो इट वाज अ मज़ा आ गया उनके साथ काम करके। आज इस फिल्म में आपने अष्टविनायक के साथ, आप पहली बार शायद आपका एसोसिएशन है, तो अष्टविनायक के बारे में आप क्या कहेंगे प्रोडक्शन हाउस के बारे में? हाँ जी, अष्टविनायक अभी एक्सपीरियंस मेरा पूरा नहीं हुआ है। आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं वो फिल्म ख़त्म होने के बाद नहीं ले रहे, फिल्म अभी भी रिलीज़ नहीं हुई है, अभी 1 महीना बाकी है, तो मेरा एक्सपीरियंस अभी देखते रहूँगा कि कैसा होता है। लेकिन हाल ही तक, आज तक, अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है, और उनका उनकी जो फिल्में जितनी भी रिलीज़ हुई हैं उनका प्रमोशनल वाइज बहुत बड़ा हाथ रहा है, वो अपनी फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ देते हैं, प्रोडक्शन वाइज दे हैव डन प्रिटी वेल इन द फिल्म एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स विद इट। अच्छे, इस फिल्म में म्यूजिक बहुत अच्छा है, मतलब 2-3 गाने जो हमने अभी तक सुने हैं बहुत ही अच्छे गाने हैं, तो म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है आपका फिल्म के? जी, मेरा जो फेवरेट म्यूजिक है तेरे बिन है, और जो बिल्कुल फेवरेट नहीं है वो सिग्नल है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता होगा ना, लेकिन फिल्म की जो सीडी और लोगों के जो गाने पसंद आए हैं वो सबसे ज़्यादा सिग्नल पसंद आया है, तो मेरी जो गाने की सोच है वो बिल्कुल गलत निकली, और अभी मैं सिर्फ सिग्नल सुनता हूँ तो वाकई में मुझे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि मेरे आस पड़ोस के लोगों को अच्छा लगने लगा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ हाँ सबसे बढ़िया गाना सिग्नल ही है। कोई भी आम तौर पे जब भी आप अक्षय कोई फिल्म साइन करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले आप देखते क्या चीज़ है कि फिल्म में क्या होना चाहिए, कितना पैसा मिल रहा है वो देखता हूँ। प्लीज से समथिंग एल्स। हाँ जी, ये जवाब है। हाँ वो बाद में देखता हूँ ना, पहले जो देखता हूँ, उन्होंने पूछा पहले क्या देखते हैं, वो मैंने बताया आपको कि इसमें रेमुनेशन कितना मिल रहा है वो देखता हूँ मैं। अच्छा, आपकी कोई भी जो फिल्म की स्क्रिप्ट होती है, जैसे भागम भागी को ले लीजिए, तो आपके का बेस्ट मनपसंद जॉनर क्या है आपका? एक्शन है या फिर म्यूजिकल है या फिर कोई भी, आप स्क्रिप्ट अगर पसंद आएगी तो आप कोई भी फिल्म कर सकते हैं। देखिए, जब स्क्रिप्ट आती है सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ऑल टुगेदर फिल्म कैसी है, क्या ये पूरी कमर्शियल फिल्म है, एंटरटेनिंग है। उसके बाद सबसे पहले अगली बात जो देखता हूँ वो मैं अपना कैरेक्टर देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैंने कितने लोगों को मारा है अंदर, मैं कितना बड़ा हीरो हूँ, मैं अपना कैरेक्टर देखता हूँ। अब जैसे एक छोटी फिल्म थी, मतलब एक्चुअली तो बहुत बड़ी फिल्म थी, खाकी, उसके अंदर मैंने एक 20-25 दिन का काम किया था इंस्पेक्टर का, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। वो फिल्म का जो रोल था वो परेश रावल के लिए लिखा गया था, जो मेरा रोल था, मुझे कुछ और रोल दे रहे थे वो फिल्म के अंदर, हीरो का रोल दे रहा था। लेकिन जब मैंने वो फिल्म पूरी सुनी, मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया, तो मैंने राजकुमार संतोषी जी से कहा कि मुझे ये कैरेक्टर दे दीजिए आप, तो क्या ये तो भैया परेश जी, ये कैरेक्टर मैं करता हूँ, and that paid me off, that paid me very well, an audience, I think they like that character. तो मैं सोचता हूँ कि हीरो कितनी फिल्म में हीरो कर लेगा, हमेशा जाके कितने लोगों को मार लेगा, कितनी माओं की जान बचा लेगा, कितने माओं का बदला ले लेगा, कहीं ना कहीं जाके he has to be human, he can be just like this boy sitting down, एक माइक पकड़ के बैठा है, that can be a your character. I love to play these kind of characters. I love to be on your side or be a cameraman or be anything. So for me that is not the important thing ki I have to be a hero. For me the most important thing is first the script, then the character which I play. Is it going to be likable? People are going to enjoy this? Am I going to enjoy to work in it? And then
आई सेलेक्ट माई फिल्म. अच्छे छोटे मोटे बड़ी बात है, अभी तक कोई ऐसा आपने कहते कोई ऐसा किरदार करने की तमन्ना है जो अभी तक आपने ना प्ले किया हो? क्योंकि वैसे तो आपने सारे किरदार कर लिए अब तक इतने दिनों में माशाल्लाह, लेकिन फिर भी कोई ऐसा किरदार जिसे लगता खुद अक्षय को? देखिए ऐसा ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, लेकिन जब भी कोई स्क्रिप्ट सुनता हूँ तो पता लगता है कि यार ये तो मैंने नहीं किया. तो ये कहना, एक पिन पॉइंट करना कि मैंने ये करना बाकी है, वो नहीं होता. भाई एक सोच के आता हूँ तो दो और स्क्रिप्ट सुन लेता हूँ तो बोलता अरे यार ये भी नहीं किया मैंने. तो फिर ऐसा कुछ नहीं है. देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स इन लाइफ, देर आर सो मेनी ह्यूमन बींग, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल अराउंड, दे आर ऑल कैरेक्टर्स. सो आई कैन नॉट से कि ये कैरेक्टर मैं सब कैरेक्टर खेल चुका हूँ. इट इज़ इम्पॉसिबल. आई मस्ट हैव नॉट इवन कम्प्लीटेड द माई बिल्डिंग के अंदर जितने कैरेक्टर वो खत्म नहीं होंगे तो मैं कहाँ गई पूरी दुनिया की बात का बहुत बहुत दूर की बात हो गई. आपने अलग एक इतने दिनों में हर तरह के कैरेक्टर प्ले किए, लेकिन आपको इतनी फिल्मों में सारी तो अच्छी हैं, लेकिन आपको सबसे कौन सी फिल्म है जिसको आपको खुद की फिल्म बार बार देखने का दिल करता है? मेरी पुरानी जितनी भी फिल्में हैं सब घटिया रही हैं, सब गंदी मैंने फिल्में की थी. खुद देखता हूँ लेकिन वो देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मेरा परिवार सारा बैठ के हंसता है, तो मुझे अपने परिवार को हंसता हुआ देखता अच्छा लगता है. तो मैं सब अपनी पुरानी फिल्में देखता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा कितना गंदा काम कर सकता था. आरव को आपकी सबसे अच्छी कौन सी फिल्म लगती है? हाँ देखिए वो अभी बहुत छोटा है तो वो फिल्में नहीं देखता, ही इज़ मोर इन टू कार्टून्स.